हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं लाया हूँ आपके लिए हैमर जी शॉर्ट्स का फुल रिव्यू। और ये जी शॉर्ट्स हमारे जो ईयरबड हैं वो एक गेमिंग ईयरबड हैं, और गेमिंग ईयरबड होने के नाते ये ब्रीथिंग लाइट इफेक्ट्स के साथ आते हैं, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये लो लेटेंसी चिप के साथ भी आता है, 50 ms की लो लेटेंसी आपको मिल जाती है, तो गेमिंग के लिए भी ये परफेक्ट है। और आपको म्यूज़िक अगर सुनना है तो बेस भी इसमें परफेक्ट मिल जाता है आपको। और जो इसकी बैटरी कैपेसिटी है वो ईयरबड्स की 35 mAh की मिल जाती है आपको। और जो हमारी ये चार्जिंग केस है, ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको 300 mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ मिल जाता है। ईयरबड्स की जो फुल बैटरी चार्जिंग की टाइमिंग है वो 1 hour की है, और चार्जिंग केस आपका 2 hours में फुली चार्ज हो जाता है, और 22 hours का ये बैटरी बैकअप चार्जिंग केस दे देता है। बाकी जो हमारे ईयरबड्स हैं 1 hour की फुल चार्जिंग में आपको 5 to 6 hours का म्यूज़िक प्लेबैक या फिर गेमिंग प्लेबैक का टाइम दे देते हैं, ठीक है। और बाकी इसमें मैं आपको बता दूं, ये ENC के साथ आता है, तो नॉइस कैंसलिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। बाकी इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी 5.3 वर्जन मिल जाता है, जिससे आपकी बैटरी भी सेव होती है और कनेक्टिंग जो पावर होती है वो काफ़ी फास्ट है और स्टेबल भी है। तो आज हम इसी के बारे में बात कर लेंगे, तो चलिए देख लेते हैं पूरा वीडियो। तो चलिए खोल लेते हैं इस डब्बे को और देख लेते हैं कि बॉक्स कंटेंट में हमको क्या क्या मिल जाता है। ये रहा हमारा ईयरबड, और उसका जो वायरलेस चार्जिंग केस है वो, और ये कुछ हमारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, इसको भी आप देख लेंगे। और चार्जिंग केबल, ये रही हमारी चार्जिंग केबल, और ये कुछ हमें बड मिल जाते हैं, ये देखिए बड कवर मिल जाते हैं। तो आप अपने ईयरपीस के साइज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी ईयर होगा उसका साइज़ के अकॉर्डिंग आप इसको फिट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये देखिए आपको सी टाइप केबल मिल जाती है, तो ये सी टाइप मतलब चार्जिंग सपोर्ट करता है। सो गाइस, इस ईयरबड में आपको सिंगल टैप से 5 taps में आपके सारे कंट्रोल के ऑप्शन मिल जाते हैं। सिंगल टैप से आपका प्ले एंड पॉज हो जाएगा, डबल टैप से आपका वॉल्यूम डिक्रीज एंड इंक्रीज हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड से आपका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा और राइट साइड के ईयरबड से आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बाकी अगर हम बात कर ले गेमिंग मोड में जाने के लिए, तो आपको लेफ्ट या राइट का जो ईयरबड है वो 5 times आपको टैप करना है, ये गेमिंग मोड में स्विच कर जाता है। बाकी आपको अगर आंसर देना है, तो आंसर जब भी, मतलब किसी की भी कॉल आती है, तो आपको लेफ्ट या राइट ईयरबड में ट्वाइस टैप करना है, आंसर हो जाएगा। अगर आपको रिजेक्ट करना है कॉल, तो होल्ड करके रखना है आपको, टैप करके आपका कॉल रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लो लेटेंसी चिप के साथ आता है, तो मैं आपको एक गेमिंग का रिव्यू दे देता हूँ, ये देखिए। तो गाइस, इस गेम में जैसे ही मैं इसमें शूट कर रहा हूँ, तो कुछ मिली सेकेंड्स का, सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स का मतलब फ़र्क पड़ रहा है इसमें। अदरवाइज़ ये गेमिंग के लिए मतलब अच्छा है यार, मुझे मतलब सही रिजल्ट दे रहा है, कोई भी इतनी प्रॉब्लम नहीं जा रही है, सही से अच्छे से रिजल्ट दे देता। अगर हम बात कर ले इसकी बैटरी की, तो ये चार्जिंग जो हमारा केस है वो टाइप सी चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है, आप ये देख सकते हो। तो चार्जिंग टाइप सी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास केबल्स बतेरी भरी पड़ी होंगी टाइप सी की, तो आप उससे चार्ज कर सकते हैं, और ये 2 hours में फुल चार्ज हो जाता है। अराउंड 22 hours का आपको प्लेबैक का टाइम दे देता है। ईयरबड्स आपको 5 to 6 hours का टाइम दे देते हैं, ऑलमोस्ट आपका 4 hours ईयरबड्स दे देते हैं। देखो, ब्रांड कुछ भी मेंशन करते हैं तो उसका हम ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते हैं, 1 to 1.5 hours वो ज़्यादा बढ़ाकर ही बोलते हैं। यूजर्स के अकॉर्डिंग भी होता है, वॉल्यूम आप कितने 50% में सुन रहे हैं, 70% के वॉल्यूम में सुन रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है, या फिर 100% के वॉल्यूम में सुनना आप पसंद करते हैं, वो भी डिपेंड करता है। बाकी 4 hours ईजिली चल जाते हैं आपके ईयरबड्स, और 20 hours के अकाउंट आपका ये जो चार्जिंग केस है, वायरलेस केस है, ये चल जाता है, ठीक है। तो ये ट्रूली वायरलेस ईयरबड्स हैं, और काफ़ी अच्छी कॉलिंग फीचर्स के साथ आते हैं इसमें। दोनों ईयरबड्स में आपको नॉइस कैंसलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, और माइक्रोफोन मिल जाते हैं, तो कॉलिंग काफ़ी अच्छे से हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं जाती है, सामने वाले को आपको क्लियर आवाज़ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, क्लियर आवाज़ जाएगी। और इसमें अगर कनेक्टिविटी की मैं एक और बात बता दूँ, तो जैसे इसको आप ओपन करते हो, इस चार्जिंग वायरलेस जो चार्जिंग केस है हमारा,
तो हमारा जो दोनों ईयरबड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, मतलब ऑन हो जाते हैं। और आपके कोई भी जो फ़ोन है जिससे आप पेयर करके रखा है आपने इन ईयरबड्स को, तो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं अगर फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन है तो। और जैसे ही आप केस में रखेंगे दोबारा ईयरबड्स को, और केस का जो हमारा ऊपर का कैप है वो आप बंद करेंगे, आराम से ईजली ये ईयरबड्स ऑफ हो जाते हैं और चार्जिंग मोड में चले जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की। तो जो हमारा चार्जिंग केस है तो ABS प्लास्टिक का बना हुआ है, काफ़ी मतलब सॉलिड है, काफ़ी सॉलिड है, और कहीं भी अगर गिर गिरा भी गया तो कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली आपको। अगर गिर भी जाता है तो ये डैमेज नहीं होगा, ये सॉलिड ABS प्लास्टिक का बना हुआ है। बाकी जो ईयरबड्स की हमारी क्वालिटी है वो आपके ईयर शेप के अकॉर्डिंग इन्होंने डिज़ाइन बनाया, आप देख सकते हो, तो कोई भी पेन नहीं होता। मैंने इसको 3-3 आवर्स भी यूज़ किया है म्यूज़िक प्लेबैक के लिए। इस ईयरबड्स का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी आपको लॉन्ग टर्म के यूज़ करने के लिए। सो यस गाइस, इसमें वॉइस असिस्टेंस भी आपको मिल जाता है। ठीक है, बाकी अगर हम बात कर ले इसके कंक्लूजन की, तो देखो गाइस, ये जो हमारा ईयरबड है वो 899 में अमेजन में अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय करिएगा। ठीक है, तो चैनल की हेल्प भी हो जाएगी आपको। 899 में एक गेमिंग ईयरबड्स जो कि फ्लैशिंग LED लाइट के साथ आता है। ठीक है, अगर आप हार्डकोर गेमर हैं तो हार्डकोर गेमिंग के लिए थोड़ा बहुत यार देखो लेटेंसी इसकी 50 ms है, तो इससे भी कम लेटेंसी वाले आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस 1500-1300 में अवेलेबल हैं। 38 ms की लेटेंसी के साथ कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अगर आपको म्यूज़िक प्लेबैक के लिए चाहिए, ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए चाहिए, तो ये ईयरबड्स की क्वालिटी काबिले तारीफ है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी इसकी म्यूज़िक प्लेबैक टाइमिंग, एंड इसकी बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा बेस प्रोड्यूस करके देता है, मतलब इवन बेस प्रोड्यूस करता है आपके कानों में, मतलब वॉइस आपकी चुभेगी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी इसमें। और जो ब्लूटूथ कॉलिंग है काफ़ी अच्छी रेंज है उसकी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। 10 meter तक के रेंज में आपका अगर मोबाइल रखा हुआ है तो डिसकनेक्शन की भी कोई भी इशू नहीं है इसमें, अच्छे से कैच करता है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ 5.3 वर्जन मिल जाता है, तो बैटरी बैकअप भी सेव करता है और कनेक्टिविटी की पावर भी अच्छी मिल जाती है आपको। और 899 में क्या आपको ये लेना चाहिए? जी हाँ, मैं बोलूँगा बिल्कुल 100% रिकमेंड करना चाहिए। अगर आप एक कैजुअल गेमिंग करते हो तो एक गेमिंग के लिए भी अच्छा है, और ब्रीदिंग लाइट इफ़ेक्ट्स के साथ आते हो तो गेमिंग ईयरबड, और रोबोटिक डिज़ाइन है इसके चार्जिंग केस का वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसके लिए आप रिकमेंड कर सकते हो। और म्यूज़िक प्लेबैक के लिए आप 100% रिकमेंड कर सकते हो, आँख बंद करके आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, डायरेक्ट बाय कीजिए और इन्जॉय कीजिए। बाकी वीडियो कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाकी थैंक यू वेरी मच।